नमस्कार दोस्तों, हमें पता है आपको इंतज़ार है कि ट्रू मीडिया इस बार क्या प्रोडक्ट लेकर आया है। तो इस बार ट्रू मीडिया लेकर आया है आपके खाने की चीज़, खाने खजाने की चीज़, यानी कि काजू। काजू नमक वाले भी हैं हमारे पास, और इस बार मसाले वाले भी हैं। कुणाल बीकानेरी भुजिया वाला, जी हाँ, ये काजू आपको नमक वाले भी देते हैं और मसाले वाले भी देते हैं। ये छोटी पैकिंग में भी देते हैं, बड़ी पैकिंग में भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 250 ग्राम की पैकिंग में भी होता है, और ये 100 ग्राम की पैकिंग में भी होता है, और ये 50 ग्राम की पैकिंग में भी होता है। आपको बताएं कि जैसा कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मसाले वाला काजू है, और इसके बाद मैं आपको एक नमक वाला काजू भी दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये है नमक वाला काजू, जिसे देख रहे हैं इसकी पैकिंग है 250 रुपये। जैसा मैंने आपको बताया कि कुणाल बीकानेरी भुजिया वाला, जी हाँ, ये आइटम गोवा से बना हुआ है। ये कहें कि ये काजू गोवा से मंगाया गया है। यूँ तो और भी अनेक भारत के राज्यों से काजू आता है, लेकिन ये स्पेशल वैरायटी है, स्पेशल क्वालिटी वाला है, जिसे कुणाल बीकानेरी भुजिया वाले ने बनाया है। मैंने बताया आपको कि ये 250 ग्राम की पैकिंग है, ये 50 ग्राम की पैकिंग है, और 100 ग्राम की पैकिंग है। जो साथी बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं, यानी भारी मात्रा में लेना चाहते हैं, या और अधिक मात्रा में लेना चाहते हैं, वे कुणाल बीकानेरी भुजिया वाले से संपर्क करके, या ये कहें कि इस स्क्रीन पर चल रहे एक नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और आप लूज में भी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो या ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 250 ग्राम की पैकिंग, और ये है कुणाल बीकानेरी भुजिया वाले की 100 ग्राम की पैकिंग। ये नमक वाला है 100 ग्राम की पैकिंग में, और 100 ग्राम की पैकिंग में ये मसाले वाला है, कुणाल बीकानेरी भुजिया वाला मसाले वाला काजू। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 ग्राम की पैकिंग में है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ 50 ग्राम की पैकिंग में। ये कुणाल बीकानेरी भुजिया वाला 50 ग्राम की पैकिंग में है दोस्तों। इसे आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी यात्रा के दौरान, या आप इसे अपने रेस्टोरेंट में, या अपनी दावतों में, या अपने अन्य किसी भी में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप इसे कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक वाला 50 ग्राम का पैकिंग है, और ये मसाले वाला काजू है। इसे आप खाएंगे तो सेहत बनाएंगे। जी दोस्तों, कहते हैं कि काजू के अंदर प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, और अन्य सेहत से भरपूर फायदे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसे आप दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर मेन रोड से खरीद सकते हैं, और लिखे हुए नंबर पर आप डायल करें और अधिक जानकारी के लिए। और विशेष बात आपके लिए कि इसकी होम डिलीवरी भी है, आप अपना ऑर्डर बुक कराएं तो आपके घर पर ये काजू मसाला वाला और नमक वाला आपके यहाँ उपस्थित होगा, पहुँचेगा। तो दोस्तों, आपके साथ साथ जो साथी रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो कैटर्स चलाते हैं, चाहे वो शॉपकीपर हैं, वे भी संपर्क कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा मात्रा में लेने पर रेट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों, चाहे आप नमक वाला काजू लें या मसाले वाला काजू, 250 ग्राम की पैकिंग में 350 रुपये का आपको ये पैकेट पड़ता है, और बहुत अच्छी मजबूत पैकिंग में है, जिसे आप यात्रा के दौरान ले जाएंगे तो कहीं गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और दोस्तों, ये 100 ग्राम वाला है, ये 100 ग्राम की पैकिंग का 140 रुपये की MRP पर आपको प्राप्त होगा। ये चाहे आप काजू मसाले वाला लीजिए, चाहे नमक वाला लीजिए। और ये 50 ग्राम की पैकिंग है, जो 50 ग्राम की पैकिंग है, ये मात्र 75 रुपये का आपको मिलेगा, चाहे आप नमक वाला लें इसमें या मसाले वाला लें। दोस्तों, आप इसे खाएं और अपनी सेहत बनाएं। काजू एनर्जी से भरपूर प्रोटीन और फैट का बेहतरीन स्रोत है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। बढ़ती उम्र के बच्चों और खिलाड़ियों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जानकार बताते हैं, काजू को एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। यह जितना स्वादिष्ट है, उससे कहीं ज़्यादा यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। काजू में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक, काजू खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। दोस्तों, आप इसे एक बार सेवन करके जरूर देखें, आपको लाभ मिलेगा, सेहत मजबूत होगी, और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।